नमस्कार दोस्तों, महिलाओं की खूबसूरती बालों से होती है और जब बाल टूटने लगे, डैमेज होने लगे, रूसी सर में पिंपल्स होने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम बाजार से केमिकल युक्त प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा ऑयल लेकर आए हैं जो हम अपने घर में अच्छे से और आसानी से बना सकते हैं, जिससे हमारे बाल अधिक लंबे और घने हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस ऑयल को बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत होगी। नंबर 1 अदरक, नंबर 2 लहसुन, नंबर 3 नारियल का तेल, नंबर 4 थोड़ा सा पानी। तो चलिए जानते हैं इस हेयर ऑयल को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम अदरक को अच्छे से छीलकर धो लेंगे और उसे कद्दूकस में कस लेंगे। फिर इसके बाद हम लहसुन को छीलकर उसका भी एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बॉइलिंग। फिर हम एक बाउल में 1 कप गर्म पानी को बॉईल करेंगे। जब पानी गर्म हो जाए, हमने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे। इसके बाद हम उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसे छन्नी में छान लेंगे। तो चलिए जानते हैं इसे हमने लगाना कैसे है। 1 चम्मच हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो लेंगे और उसमें आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी तेल ले सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अपने बालों में अच्छे से लगाना है स्केल्प बाय स्केल्प। और 25 से 30 मिनट के लिए आप अपने सर की मसाज करेंगे और उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक ऐसा ऑयल बनाया है जो कि हमारे बालों को डैमेज फ्री, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बना देगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।